गुड मॉर्निंग गाइस, सो इट्स डे 15 और 75 डे हार्ड स्टडी चैलेंज और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं 6 बजे उठी और मौसम बहुत प्यारा था। मैं पहली बार 6 बजे उठी हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना मैं बता नहीं सकती। एंड बेसिकली मैं खुश से ज्यादा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि दिस वॉज माई फर्स्ट डे, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम जिम कर रही थी और मुझे एकदम अच्छे से पता था भाई स्टार्टिंग के ना 3-4 दिन तक मुझे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बट आई विल नॉट गिव अप। और ये कुछ समय था मेरे फार्मा के वाइवा का, मुझे लगता है ना मैंने हर सही काम गलत टाइम पे करना। गाइस, सो आई एम रेडी, आई टुक बाथ एंड आई एम रेडी एंड दिस इज मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट ब्रेकफास्ट आई एम टेकिंग एंड इट्स आलू का पराठा बिकॉज यू नो कल से आई एम वेरी डाइट कॉन्शियस एंड मैं ओट्स खाऊंगी रोज सुबह। फिर हम निकल गए क्लास 3 इडियट स्टाइल में एंड जिसकी स्कूटी आई एम रियली वेरी सॉरी, हाँ मुझे पता है इसके बाद तुम मुझे स्कूटी नहीं दोगे। सो हमारी क्लास थी माइक्रोबायोलॉजी के 9 से 10 और फिर मैं गई वीडियो एडिट किया, 1 घंटे वीडियो एडिट किया, फिर मैं आई और मैंने देखा कि मैं अपना टाइमर ही नहीं लाई हूँ, फिर मैंने टैब में टाइमर लगाया और फिर मैं फार्मा रिवाइज करने लगी। मुझे कहीं ना कहीं गलत लग रहा था कि मैंने गलत डिसीजन लिया है, मुझे फार्मा की वाइवा के बाद ज्वाइन करना चाहिए, पर यार मैं मुझे डॉक्टर ने इतना ज़्यादा बोल दिया था कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी एंड ऑल, तो मुझे तुरंत ज्वाइन करना पड़ा। स्टडी ओनली 1 आवर एंड मेरा हेडेक हो रहा है, बेचारी तुरंत सोने, उसके बाद क्लास जाना है, उसके बाद फिर रीडिंग। मैं हॉस्टल में रेस्ट करने गई थी एंड गेस व्हाट, हॉस्टल में लाइट ही नहीं था। फिर मैं थोड़ा सा गर्मी में इधर उधर किया, फिर उसके बाद मैं 15 मिनट इतने नींद में सो गई, फिर मैं उठी तो मुझे खाना भी नहीं मिला क्योंकि मेस का खाना ख़त्म हो गया था। सो फिर मैं चली गई इंजेक्शन लगवाने, यार मुझे बचपन से इंजेक्शन से बहुत डर लगता है एंड फिर मुझे पेन होने लगा, वीकनेस लगने लगी, तो फिर मुझे ले जाया गया कि चलो तुमने खाना भी नहीं खाया है, हम तुम्हें कुछ अच्छा खिलाएंगे। और अच्छा के नाम पर मुझे क्या मिला, हेल्दी सूप, उसमें भी मैं खुश हो गई। इंजेक्शन लगा के हो रहा था पेन, सो मैंने सूप पी लिया, टेस्टी था, तो अब आई एम फीलिंग गुड एंड आई एम गोना गो एंड कंटिन्यू स्टडीज। फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी एंड सुबह के 1 घंटे का तो टैब में ही है, तो वो मैं कवर कर लूँगी इस टाइमर में, जब मैं खाना खाऊंगी 1 घंटे का रेस्ट लूँगी तब। सो मैं फार्मा स्टार्ट किया पढ़ना, यार बहुत थकान थी बट पढ़ना तो था ही। फिर मैं 8 बजे आई और मैंने डिनर कर लिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी थी और डिनर के बाद डेजर्ट मिल जाए तो फिर क्या ही बात। एंड फिर मैंने वो 1 घंटे कवर कर लिए सुबह वाले और फिर मुझे लगा कि यार मुझे तो करके ही सोना है, मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, मैं बता नहीं सकती हूँ, बट मेरे डर भी था, एंजाइटी भी हो रहा था कि वाइवा है तो मैं, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। और मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम कल की वीडियो देखना भाई, तुम्हें पता लगेगा मेरे जिम जाने का क्या असर हुआ है। तुम्हें पता है मैं कल आने के बाद 2 बजे तक सोई हूँ दोपहर के, और दूसरे दिन मेरा वाइवा, उसके उठने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पैरों तले जमीन ही हिल गई, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यार इसमें बहुत बार रिवीजन की जरूरत है, बहुत बार ड्रग्स वगैरह, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऊपर से इतने ज्यादा चैप्टर, 4-5 यूनिट पूरी पूरी आ रही थी। ठीक है, आज मैंने सीक्रेट में पढ़ा कि यू शुड हैव अ हैबिट ऑफ बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, क्योंकि अगर तुम ग्रेटफुल होगे तो तुम ऐसी और चीजें अट्रैक्ट करोगे जिसके लिए तुम फिर और ग्रेटफुल होगे, तो टेंशन नहीं लो एंड बी ग्रेटफुल।